अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आप लोग कैसे हैं? मैं सोचता हूँ आप लोग सब लोग सही है, सलामत से। तो गाइस मैं आज आप लोग को एक अमेजिंग टिप और एक सेटिंग शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग जो सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं, आपको पता नहीं होता कि वो फ़ोन खुला हुआ है या वो फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ इशू है, पहले कुछ कैमरे का काम करा है, कुछ काम करा है। तो आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि एक फ़ोन सेकेंड हैंड फ़ोन जब आप लेते हो तो आपको क्या क्या देख के लेना चाहिए। तो गाइज मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आज मैं आपको दो फोन दिखाऊंगा। एक फोन जो है खुला हुआ है, जो जिसमें काम हुआ हुआ है, एंड्रॉयड का फोन, और दूसरा फोन है जो आज तक कभी खुला नहीं है, इसमें कुछ काम नहीं है, कुछ फॉल्ट नहीं है, ना कुछ किया है काम। तो गाइज बहुत सारे लोग होते हैं जो ओलेक्स वगैरह से लेते हैं, ऑनलाइन से फोन लेते हैं, फेसबुक से फोन खरीदते, बहुत जगह से फोन खरीदते हैं, उनके पास फ्रॉड हो जाता है। फोन खुला हुआ होता है, वाटरप्रूफ नहीं होता, फिर आप ले लेते हो, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाता है। तो वही चीज मैं आपको नोटिस करके आज दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको चेक करके लेना है कि ये फोन ओरिजिनल है या फेक है, या ये फोन पहले काम हुआ है क्या नहीं। तो एंड तक देखना, नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो सलाम वालेकुम गाइस। गाइस मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि एक सेकेंड हैंड फोन जब आप लोग परचेस करते हैं, जब आप लोग खरीदते हो, तो आपको क्या क्या चीज देखना पड़ता है और क्या क्या चीज देख के लेना चाहिए। तो गाइस मेरे सामने दो फोन है, ये जो एक फोन है ये कभी खुला नहीं है। तो आपको पहले, आपको जो फोन खुला नहीं है वो उसका मैं बोल रहा हूँ कि आप देख रहे हैं इसके कॉर्नर पे, आप अगर आपके पास मोबाइल है, दूसरा कोई मोबाइल है, तो फ्लैश लाइट ओपन करके, ना फ्लैश लाइट ओपन करके आपको चेक करना है कि इसके साइड में कोई गैप है क्या नहीं। और ये फोन जितना भी जो भी कारीगर होगा, मतलब फोन का जो इंजीनियर होगा जिसने फोन ठीक किया, वो जितना भी बड़ा उस्ताद होगा, थोड़ा ना थोड़ा गम यहाँ पे रह ही जाएगा। जैसे कि मैं ये फोन आपको बोल रहा हूँ कि देख सकते हैं, ये फोन में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे गम लगा होगा, साइड में आपको गम दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं गम, ये पूरे गम है। ये गम जो है गाइस, ये फोन खुला हुआ है, इसमें कैमरा वर्क या कुछ भी काम हुआ हुआ है। अगर आपको इससे भी पता नहीं चला, आप फ्लैश लाइट ओपन करके चेक करना। आप अगर अंधेरे में हो तो अंधेरे में आपको फ्लैश लाइट ओपन करके देखना है, ये साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे गम होगा ही होगा और गैप होगा, ये देख सकते हैं गैप, जरा दिखाइए गैप में होगा, ये देखिए साइड में पूरा गैप दिख रहा होगा इसका, ये इसका गैप है, अब देख सकते हैं पूरा गैप में दिख रहा है। और एक चीज है, इसके जो कैमरा है, कैमरा मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, कैमरे में वो जितना बड़ा कारीगर होगा, कैमरे में थोड़ा सा ना थोड़ा डस्ट होगा, डस्ट थोड़ा सा कचरा कुछ भी होगा, जो कंपनी का ओरिजिनल फोन आता है, जैसे कि ये वाला फोन, इसमें कैमरे में कोई ना दाग है ना कुछ है, और इसके साइड में भी कोई खुला हुआ का दाग नहीं है, क्योंकि ये फोन आज तक कभी खुला नहीं है, 100% नहीं खुला है, लेकिन ये वाला खुला है, तो आपको ये दाग से पता चलेगा और कैमरे में डस्ट होगा। अभी मैं सेकंड ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। कभी भी आपको फोन लेना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको जल्दी नहीं करना है, आपको फोन तसल्ली से लेना है। लेने के बाद जो इसका जो आप ये एक ऐप को प्रेस करना है, प्रेस करके ना आपको ऐसा इसका डिस्प्ले चेक करना है, ये पूरा डिस्प्ले में कॉर्नर में लेके जाके, ऐसा ऐप को ना ऐसे कॉर्नर में लेके जाके आपको ऐसा दिखाना है कि सब जगह पे इसका टच वगैरह सब कुछ काम कर रहा है क्या नहीं। ऐसा आपको लेके ये वन बाय वन ऐसा आपको देखना है कि हाँ पूरा इसका डिस्प्ले काम कर रहा है। फिर बाद में आपको ये वाला हो गया, इसका डिस्प्ले काम कर रहा है, फिर बाद में आपको सेटिंग में जाना है, फिर अगर आपके दोस्त के फोन में अगर वाईफाई होगा तो उसके फोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके ये फोन में वाईफाई चल रहा है क्या नहीं, ये आपको चेक करना है। दूसरी बात, आपको इसमें सिम कार्ड डालना है, सिम कार्ड डालने के बाद आपको देखना है कि इसमें पूरा नेटवर्क ठीक से आ रहा है क्या नहीं। और फिर बाद में आपको तीसरी बात ये चीज होगी, आपको कॉल करके देखना है, कॉल करके देख के चेक करना है कि इसका माइक्रोफोन जो है ये चलता है क्या नहीं, और यहाँ पे जो साउंड है ये वो दूसरे फोन में जा रहा है क्या नहीं। ये आपको तीन चीज देखना पड़ता है कि आपको कॉलिंग वगैरह हो रही है क्या नहीं, कोई नेटवर्क का तो इश्यू नहीं है। और थर्ड आपको देखना पड़ता है, ये रहा कैमरा, आपने कैमरा ओपन कर लिया, अभी आपको ना लेंस, इसका लेंस खराब है क्या नहीं, ये सबसे बड़ा ट्रिकी पार्ट है, ये लेंस अगर खराब होगा ना ये आपको चेक करना है। ये देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, ये तीन लेंस है, इसमें तीन लेंस मैं ऐसा करके चेक कर रहा हूँ कि चल रहा है क्या नहीं। ये देखिए देखिए देखिए, ये थोड़ा बीच में से थोड़ा कांपने लगा, मतलब इसका फोन पहले से खुला हुआ, शायद इसके लेंस में भी कुछ इश्यू होगा, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये देखिए, ये ऐसा करके चेक करना है कि इसका लेंस वगैरह काम कर रहा नहीं। फिर सामने का कैमरा, इसका जो सामने का कैमरा है वो काम कर रहा है क्या नहीं, ये आपको चेक करना होता है। मतलब ये सारी चीजें कि कहीं पे आपको कोई डॉट वगैरह तो नहीं दिख रहा है, कहीं पे कोई डॉट तो नहीं है। और अगर मैं आपको ओवरऑल चीज बताऊं तो ये फोन में, तो शॉमी के फोन में तो एक ऑप्शन है, मतलब आपको ना अगर उसका फोन अगर गूगल है उसके अंदर, तो एक एक ऐप है, वो ऐप का नाम है फोन टेस्टर, वो ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद आपको एक सेटिंग दिखेगा जो ये फोन में है, ये फोन में डायरेक्टली कंपनी से बिल्ट इन आता है,
ओप्पो, ये फोन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइज मैं आपको ये फोन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब मैं जाऊंगा वो टेस्टिंग टूल में और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसमें कैसे आपको वो जगह दिखाते हैं बंद करने। तो गाइज मैंने अभी तक आप लोग को दिखाया कि बाहर से कैसे एक फोन को चेक करते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ फोनों में बिल्ट इन ये आता है, जैसे कि हो गया पोको का फोन, दूसरा फोन हो गया शॉमी का फोन, और दो तीन फोन कंपनी है जो प्रोवाइडेड ये फीचर जो है उनके सेटिंग में ही दे देते हैं चेकिंग चेक करने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सेटिंग में कौन सा सेटिंग होता है वो। तो ये रहा आपका फोन, ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि शॉमी के फोन में दिखाने वाला हूँ कि वो सेटिंग कहाँ पे है। तो आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट में, जो पहले ही आप देखते हैं अबाउट फोन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जाना है। फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखा होगा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन एंड स्पेस, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पे आ जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको ये इसका वर्जन नंबर यहाँ पे लिखा होगा, ये वर्जन नंबर पे आप क्लिक करोगे, 3 बार एक साथ में क्लिक करोगे लगातार, तो एक पेज आ जाएगा, ये पेज आ जाएगा, यहाँ से पूरा चेक होता है जो मैं आपको एक एक करके अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये पहले वाले पे हम क्लिक करेंगे तो इसका पूरा जो डिटेल्स है इसके फोन का पूरा एमआई नंबर, ये सारा कुछ आपको चेक करना है कि अगर वो फोन के साथ में, ये फोन के साथ में अगर इसका बॉक्स दे रहा है तो ये नंबर आप जब निकाल लोगे ना, तो आपको चेक करना है कि बॉक्स के साथ में ये नंबर का मैचिंग हो रहा है क्या नहीं। और फिर बाद में यहाँ पे मैं अभी इसको फेल कर दूंगा क्योंकि मुझे चेक करके फायदा नहीं है वो वाला। फिर बाद में इसके अंदर सिम कार्ड डालना है, आपको चेक करना है कि इसमें 2 सिम है या सिंगल सिम है। जब आप सिंगल सिम डाल दोगे तो ये सिम के यहाँ पे आप आओगे, सिम कार्ड इसमें डालोगे तो यहाँ पे ये चेकिंग दिखाएगा, डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट डिटेक्ट करने के बाद 2 सिम है तो दो दो सिम यहाँ पे दिखा रहा है, तो दोनों सिम आप जब डालोगे तो दोनों डिटेक्ट दिखाएगा, तो मतलब दोनों पास ही है। तो इसको मैं पास कर देता हूँ। तो अभी अभी तो ये फेल दिखा रहा है क्योंकि मैं इसमें सिम कार्ड नहीं डालूंगा, लेकिन आप टेस्ट कर लेना। फिर बाद में मैं वाइब्रेशन पे क्लिक करूंगा, जब मैं वाइब्रेशन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो फोन है ये वाइब्रेट हो रहा है, ये फोन बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है। तो आपको ये ना वाइब्रेट करके चेक करना है आपको ये वाला, कि ये वाइब्रेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर बाद में आपको कीबोर्ड टेस्ट, यहाँ पे आप जो कीबोर्ड टेस्ट कर सकते हो आप, ये इसका जो कीबोर्ड है तो ये यहाँ पे अप, आपके यहाँ पे आपको आपका वाला क्लिक करना है, ये रहा आप देख सकते हो अप। फिर बाद में वॉल्यूम डाउन, ये देख सकते हैं आप अप, आपके इसमें इसका ये फोन प्रॉब्लम वाला फोन है इसलिए आपका जो वॉल्यूम है ये काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो कि आपका इसका जो वॉल्यूम है काम नहीं कर रहा है, डाउन का काम कर रहा है। फिर मैं लॉक बटन प्रेस करूंगा, तो लॉक बटन प्रेस करने से ये सारे जो ग्रीन हो रहे हैं मतलब काम कर रहा है। तो आपको ये वाला ऐसे करके चेक करना है। फिर बाद में आपको हो गया ये नोटिफिकेशन एलईडी, ये जो आप देख सकते हैं इसके पीछे जो आप देख सकते हैं ये लाइट जल रहा है, इसमें अचानक से लाइट जल रही है, फ्लैश लाइट आप देख सकते हैं फ्लैश लाइट जल रहा है इसमें। ये आपको सेटिंग से ही चेक करना होता है कि ये कैसे यहाँ से होता है, यहाँ से आप फ्लैश लाइट पावर बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो, ये आपको देखना है कि ये सब चीज काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको चेक करके लेना है। फिर आपको टच टच सेंसर आपको चेक करना है, ये देख सकते हैं आप, ये टच इस सेंसर में चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरा मैं टच चेक कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ये मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, देखिए ये काम कर रहा है कि नहीं ठीक से, देख रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं आप ये ठीक से काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है देख सकते हैं आप, और ये लास्ट एक लाइन है ये वाला, बस मतलब इसका डिस्प्ले ओके ओके। ये देखो ये आपका अभी कलर आएगा, यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे बहुत मजेदार चीज ये है कि आपको देखना है कि यहाँ पे कोई डॉट है कि नहीं, अगर ये फोन में डिस्प्ले का कोई भी इश्यू होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई डॉट आपको दिख ही जाएगा 100%। फिर ग्रीन करना है, ग्रीन में कोई डॉट है कि नहीं आपको चेक करना है, फिर बाद में ब्लू करना है, फिर खत्म हो गया, ये आपका खत्म हो गया। तो आपको पास देना है, फिर रिसीवर आपको चेक करना है, रिसीवर ये रिसीवर आपका ठीक से काम करता है कि नहीं, रिसीवर ये देखिए, ये देखो 8 बोल रहा है अभी, 8 8 9 8 ये आपको नंबर बोलेगा, तो ये ठीक से साउंड आ रहा है कि नहीं ये आपको सुन के बताना है, जो फिजिकली आप सुन पाओगे। फिर बाद में आपको ये देखिए आपको कैसा जोर से साउंड आ रहा है, मतलब ये वाला स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं देख सकते हैं आप। तो ये तो हो गया ये टेस्टिंग। फिर बाद में माइक टेस्टिंग है, ऐसे यहाँ पे वाईफाई टेस्टिंग, ब्लूटूथ टेस्टिंग, मतलब पूरे जितने भी टेस्टिंग के कैमरे सेटिंग टेस्टिंग जितने भी है सारे कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप फोन के अंदर का सेटिंग आप चेक कर सकते हो। तो मैं आपको ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा आपको गाइज, आप लोग जब सेकेंड हैंड फोन लेते हो तो प्लीज बहुत चेक करके लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड ऐसा हो रहा है कि आप लोग फोन लेने के बाद आपको पता चल रहा है कि भाई ये फोन खुला हुआ था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये फोन दिखने में एकदम नया दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये फोन खुला हुआ है और मैंने आपको दिखाया है कि ये एग्जैक्टली कैसे खुला हुआ है।
और ये खुला हुआ नहीं है, तो इसमें कोई गम का कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गम वगैरह नहीं दिखेगा। लेकिन जो खुला हुआ है ये आप देख सकते हैं, गम वगैरह सारा कुछ डिटेल से दिखेगा। तो यही कुछ टिप्स था गाइज, यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक था। ये आप लोग हमेशा नॉलेज करना जब आप लोगे फोन। तो गाइज ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि आईफोन कैसे चेक करके लेते हैं। तो गाइज मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज।